सोलरेबल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों आपको सोलर इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहिए, कितने रुपए तक आप यहाँ पर कमा सकते हैं, क्या आप सोलर इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे तो आपको किसी कोर्स या फिर कोई पढ़ाई वगैरह इसके लिए करने की ज़रूरत है, अगर आप डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आप कैसे बनेंगे, और लास्ट में बात करेंगे कि आप शुरुआत कहाँ से करेंगे। बात करते हैं यहाँ पर आपको सोलर इंडस्ट्री के अंदर काम क्यों करना चाहिए। इसका जो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर आ जाता है कि आपके पास यहाँ पे अपार संभावना है रुपए कमाने की। आप महीने के काफ़ी ज़्यादा रुपए यहाँ पे कमा सकते हैं। आप शुरुआत में क्या है कि अपने नज़दीकी जो भी आपके आसपास के घर है वहाँ पर ही अगर सोलर इंस्टॉल कर देंगे तो वहाँ से ही आपको काफ़ी ज़्यादा लीड मिलने लग जाएगी। यानी कि क्या होगा कि वह एक व्यक्ति दूसरे लोगों को सजेस्ट करेगा कि आपने यहाँ पे सोलर सिस्टम लगाया है, हमें इससे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आप भी लगाएं। तो ऐसे करके क्या होगा कि एक व्यक्ति को देख के आसपास के सभी लोग आपसे सोलर सिस्टम लगवाएंगे, जिससे आपके क्या होगा कि इनिशियल स्टेज में ही आपको काफ़ी ज़्यादा अर्निंग यहाँ पे होने लग जाएगी। तो यानी कि बोले तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक चांस हो गया कि आप स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत से आपको एक काफ़ी अच्छी अर्निंग यहाँ पे हो सकती है। इसके बाद में यहाँ पे जितने भी घर हो गए, फिर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, फैक्ट्री, सारी जगह पर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि सभी जगह इसकी रिक्वायरमेंट है और आप यहाँ पर काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप सोलर इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं तो क्या आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत है? तो इसका सीधा सा आंसर है, नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो मेन कारण यहाँ पर आ जाता है कि अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो उससे आपको थ्योरेटिकल ज्ञान मिलता है जो कुछ हद तक आपके काम आ सकता है, लेकिन अगर आप एक इंस्टॉलर बनना चाहते हैं या फिर आप कोई शॉपिंग खोलते हैं तो वहाँ पर आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्रैक्टिकल नॉलेज। आप अगर कोई सोलर इंस्टॉलेशन देखेंगे या फिर कैसे सेल्स होती है इसकी, इन सारी चीज़ों पर अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर हम सोलर इंस्टॉलेशन की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी बेसिक एरर्स होती हैं। अगर आप कोर्स भी देखते हो, यानी कि मैंने खुद ने भी कई सारे ऐसे वीडियो बना रखे जिसके अंदर आप लोगों को बताएं कंप्लीट कि सोलर इंस्टॉल कैसे होता है, लेकिन वो क्या है, वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपके पास अगर सब कुछ सही रहा तो उस तरीके से आपका सोलर इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि होती है कुछ माइनर्स प्रॉब्लम वहाँ पे आती है, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिनको लेके हमारा पूरा पूरा दिन खराब हो जाता है और हमें पता नहीं चलता कि हमने सब कुछ सही किया है, उसके बाद में भी क्या दिक्कत आ रही है। तो अगर आप एक इंस्टॉलर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए। आप कोई भी जो इंस्टॉलर है उसके यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा कि स्टार्टिंग में इसका काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद में आप खुद का भी यहाँ पे वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप एक सोलर शॉप खोलते हैं या फिर आप इंस्टॉलर का काम शुरू करते हैं तो आपकी कमाई कितनी होगी? तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप कितने ज़्यादा किलोवाट का इंस्टॉलेशन करते हैं या फिर कितने रुपए तक की सेल्स करते हैं, कितने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर आपकी जो अर्निंग है वो डिपेंड करती है। अगर आपको एक बेसिक एवरेज बताऊं तो अगर आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन करते हैं तो यहाँ पे लगभग आपको 3000 से लगा के 5000 रुपये तक की कमाई हो जाती है, और अगर आप जो सेल्स करते हैं प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको लगभग 10 से 15% तक की कमाई हो जाती है, जो एक काफ़ी अच्छी कमाई है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप सोलर प्रोडक्ट की शॉप कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पे अगर सोलर की आप शॉप लगाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का पहले ध्यान रखना है, जिसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है कि आपका एक्सपीरियंस कितने सालों का है, आप कितने सालों से अंदर सोलर इंडस्ट्री है इसके अंदर काम कर रहे हैं, यह आपका पैशन है या फिर आप किसी शौक या फिर मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से जो है आपका एक शॉप ओपन करना चाहते हैं। इसके बाद में आपको कुछ चीज़ें और है जिनका भी यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे कि आपका बजट कितना है, कितने रुपए तक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए क्या है कि किसी भी कंपनी की डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है। क्योंकि कई लोगों के यहाँ पे मैंने देखा है कि उन्होंने स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं और उनको यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको सेल्स का नॉलेज नहीं है, मार्केटिंग का उन्हें पता नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि वो प्रोडक्ट उनके यहाँ पे पड़े रहते हैं, उन्हें बेच नहीं पाते और उन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए किसी भी कंपनी की डीलरशिप यहाँ पे लेनी है। इसके साथ साथ अगर आप पहली बार किसी कंपनी की डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हैं और कोई शॉप ओपन कर रहे हैं तो आपको इनिशियल स्टेज में कभी भी यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आप कम से कम पैसों के अंदर शुरुआत करें और जैसे जैसे आपके ऑर्डर आते जाएं उसके अकॉर्डिंग आप कंपनी से यहाँ पे प्रोडक्ट लें, जिससे क्या होगा आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प मिल पाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर की, जो कि है LogTheDeal.com। ये एक ऐसी कंपनी है जो हेल्प करती है डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को मल्टीपल कंपनी के प्रोडक्ट सेल करने में। यहाँ से क्या है कि आप किसी भी कंपनी के जो सोलर पैनल, इन्वर्टर या फिर बैटरी खरीद सकते हैं, वो आपको डीलर रेट और डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे अवेलेबल हो जाएंगे। जितनी आप क्वांटिटी खरीदते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो कम ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या होगा कि आपको काफ़ी ईजीली अगर आपके पास किसी भी कंपनी के लिए लोगों की डिमांड आती है तो आप यहाँ से परचेज़ करके उन्हें सेल कर सकते हैं। ये कंपनी आपको हर एक चीज़ में यहाँ पर सपोर्ट करती है,
आपको और जानकारी चाहिए तो जो इनकी टीम है आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सीधा सा आपको जो काम करना है या तो आप इनकी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर lockthedeal.com वेबसाइट के ऊपर विजिट करके आपके मोबाइल नंबर और आपकी कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके बाद क्या होगा कि कंपनी की टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और उसके बाद में आपको जो भी कंपनी का प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं या फिर आप इनिशियल स्टेज में, तो यहाँ से इनकी मदद से आप शुरुआत करके काफ़ी अच्छा सोलर इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ कर सकते हैं। तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और आप अपना सोलर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट में बात कर लेते हैं, अगर आप सोलर इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं तो आप शुरुआत कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो सजेशन आपको रहेगा कि आप पहले किसी भी कंपनी के अंदर या जो इंस्टॉलर है इनके पास जाके अपनी जॉब शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो भी सैलरी मिलती है आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको यहाँ पे सीखने के साथ साथ इनकम भी हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी जगह ये देखा गया है कि या तो इंटर्न की तरह अगर आपको रखेंगे तो वहाँ पे आपको कई बार सामने से पैसा देना पड़ता है या फिर आपको सैलरी नहीं मिलती है, और अगर आप बोलोगे उन्हें कि हमें सीखना है तो वहाँ पर आपको पैसा भी देना पड़ सकता है। इससे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही है कि आप जाइए, जो भी आपको सैलरी ऑफर की जाती है उसके ऊपर वहाँ पर काम करना शुरू कर दीजिए और कभी भी उन्हें ये चीज़ ना बताइएगा कि आप वहाँ पर सीखने के लिए गए हैं। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। आपका अगर कोई सुझाव हो या फिर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।